सूजन है। अभी देख लो पानी भी हो गया। शुभ नाम बताइए पहले। राजू यादव। राजू यादव कहाँ से आते हैं? बिहार से। मेरे पास कौन सी बार आया? ये दूसरा दिवस है। क्या बताया था आपको? ये गठिया और ये तो बोला कि हमारा क्या बताया था, हमारे यहाँ क्या बताया था, डॉक्टर को छोड़ दो। ये क्या बोलता है उसको, वायु वायु दोष। हाँ वायु, कुपित वायु बताई थी। हाँ। आपको निगेटिविटी बताई थी। हाँ। अच्छा अच्छा, कब से होती है आपको ये? तो कम से कम 7-8 साल से हो गए। डॉक्टर को नहीं दिखा रहे? दिखा रहे। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर तो दवा दे रहा है बस। कितना पैसा लगाया डॉक्टरों पे? मित्र तो मैं 2-2.5 लाख रुपए गए। हाँ 2-2.5 लाख। कब से हो रहा है? 8-9 साल से। होता क्या एक्चुअली में, क्या होता है आपको? जब थोड़ा देर बैठ गया ना, जब ये पूरा पकड़ लेता है इसे, ऐसे लगता है कोई पकड़ लिया। हाँ, चलने के बाद में फिर रनिंग पकड़ लेता है तो ठीक हो जाता है। इसमें तो पानी भरा हुआ है, ये तो बोलता है कि रिप्लेस करना पड़ेगा पूरे बार। अच्छा, क्या बोलता है? रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी दर्द है उसमें? हाँ, दर्द है। दर्द इसमें भी है? हाँ। और दर्द कहाँ है? और ये पूरा जोड़ में जो है ना, मेन जोड़ जोड़ में। डॉक्टर ने गठिया भाई भी बताया आपको? हाँ, गठिया भाई। क्या बोले गठिया भाई आपको? संधिवात का प्रॉब्लम है। संधिवात का आर्थराइटिस। कुपित वायु नहीं बताई? वही वही नहीं, उसी में आता है, लेकिन वो लोग टाइटल है वो अलग से बोलता है। तो डॉक्टर के पास सरसों का तेल नहीं होगा, और उन्होंने आपके साथ ऐसे मेहनत नहीं की होगी? नहीं, वो लोग तो डायरेक्ट चीरफाड़ और रिप्लेस करने का कैसा पैसा आ जाए वो देखते हैं। हाँ, कितने पैसे मांगे चीरफाड़ के? अभी तो बताए थे कि आपको कम से कम 3 लाख रुपए लगेगा। मैं बोला मैं नहीं कराएगा। हाँ। बहुत लोगों को देखा मैं सक्सेस नहीं हुआ। कम हुआ है, ऐसे नहीं उठता रहा। थोड़ा कम हुआ है, तालियां बजा दो भाई। बाकी रहे अभी ऐसे नहीं उठता रहा। ऐसे पैर नहीं उठते थे इनके, कैसे ओ तेरे की। तालियां बजा दो जोरदार। शंकर भगवान की जय। दर्द में कमी आई है ना? हाँ, दर्द में भी कमी आई है। अभी आइए आप। इसमें पानी पानी। अरे छोड़ देना तू ये पानी वानी, भूल जा पानी है। सब सूख जाएगा यहाँ, चिंता ना कर। तूने भी कभी अपने माँ बाप के पैरों पे तेल लगाया है? कब? माँ बाप को मैं सेवा करता हूँ। तो माँ बाप की सेवा करने वाले का ये फल थोड़े ना होता कि तेरे को ये दर्द झेलना पड़े। कहाँ दर्द है बता? कम हुआ है, लेकिन ये साइड में जो है ना, साइड अंदर की तरफ है, बस ऊपर की तरफ नहीं है। देखिए अरे भाई को चेक कर ले ढंग से, एक बार कर ले तो कर ले। और कैसे चेक करेगा भाई, मेरा 4 दिन से आ रहा हूँ। देखो दर्द है कहाँ, हो रहा है अभी? पैर ऐसा समेट कर मांडी बैठने को भी नहीं देता। कैसा समेट कर? थोड़ा देर ऐसे रखा, देखिए अभी या वो थोड़ा बहुत तो खिंचा होगा ना, एक बार में कैसे जाएगा? अभी देखा नहीं उनको क्या? आप ये देखो कि एक बार में उनका दर्द नहीं गया, लेकिन वो क्या करने लगी, पैर को कितना ऊपर उठा रही थी, तुम्हारे सामने की तो बात है ना। देखो लोग दवा भी खाते हैं तो 20 मिनट लगता है दवा के बाद, तब असर शुरू होते हैं। यहाँ हाथ लगाते असर शुरू हो गया। देखो और कहाँ दर्द रह गया? कौन कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? संचिति हॉस्पिटल। हाँ, और कहीं और भी गए थे? डॉक्टर सेलारो। और कहीं भूत प्रेत वाले के पास भी गए किसी के? बस सीधा यहीं आए। हाँ। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? वीडियो 10 दिन में देखते हैं ना आप।
तो आप आए किस लिए, क्या टारगेट लेके आए थे मेरे पास? जब यहाँ आए थे हम बिहार में, रहते पुणे में प्रॉपर, जब आए थे बिहार में तो मैं बोले यहाँ अभी छुट्टी थोड़ा निकाल कर, मैं बोला कि अभी एक हफ्ता निकाल कर वहाँ भी चला जाऊँ। कहाँ पे दर्द है? फिर टाइम निकाल कर मैं आया हूँ 2-3 दिन के लिए, जब तो अभी छोड़ कर आया हूँ, वहाँ बुला रहे हैं अभी जाना पड़ेगा। तो मैं बोला ऐसा अभी नहीं होगा तो दो तीन दिन हो गया, अभी ऑनलाइन से प्रक्रिया कर लेंगे। पहले मोड़ के देखो एक बार, हल्का होने लगा। तेल कहाँ मिलेगा? जोत पे खोलो उसको, देखो आप ये अखंड ज्योत पे मिलेगा, अब अखंड ज्योत का तेल है बस। आपको घर में बस क्या करना, ओम नमः शिवाय ओम या ओम शम शरण श्राय नमः का जप करते हुए रोज लगाना है, सुबह 15 मिनट शाम में 15 मिनट कम से कम। इसमें तो मेरा पूरा डॉक्टर ने मेरा मुंड खराब कर दिया कि बोला रिप्लेस करने के लिए, मैं तो बहुत आदमी को देखा रिप्लेस करते हुए, लेटरिन में बैठ नहीं पाता है, चेयर लगता है, पूरा अभी लाइफ ही खराब हो जाएगा, अभी तो लाइफ भरपूर है। मूल दर्द कहाँ होता है? इस ज्यादातर तो इस घुटने से नीचे ज्यादा बना रहता है।